गर्मी बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी है तो रेलवे कोच में आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज ताजा मामला रोहतक रेलवे स्टेशन का सामने आया है, जहां दिल्ली के लिए आने वाली मेमू ट्रेन मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगने से ये बोगियाँ खाक हो गईं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार रेल कोच में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। द नेशन टाइम्स पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मेमू ट्रेन रोहतक से दिल्ली के लिए शाम 4:10 पर रवाना होनी थी, लेकिन 2:10 पर इस ट्रेन में अचानक आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद शुरू हुई। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार के मुताबिक पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत मेमू ट्रेन में आग की घटना की सूचना 2:10 पर मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और 2:20 पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साथ लगी गुड्स लाइन में इस मेमू ट्रेन में आग की घटना हुई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। संभावना यह जताई जा रही है कि आग की घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। वहीं गनीमत यह रही कि जब ट्रेन में आग लगी तो इसमें कोई भी यात्री मौजूद नहीं था। इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। बहरहाल आप ये तस्वीरें द नेशन टाइम्स पर देख पा रहे हैं। क्या आपने पहले कभी इस प्रकार की कोई घटना देखी है? यदि देखी है तो अपनी यादों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे साझा जरूर करें। और हाँ, यदि आपने द नेशन टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी खबरों की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। द नेशन टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। I'm going to go to the next one.